हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है वर्डप्रेस सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपना पहला पोस्ट बना सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप कैटेगरीज को बनाकर सिस्टमैटिकली हर पोस्ट को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपके जो विजिटर हैं या यूजर हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी के पोस्ट को एक साथ पढ़ सकें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज होती क्या है। जब आप पोस्ट में जाते हैं तो आपको चार ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें थर्ड ऑप्शन होता है कैटेगरीज। कैटेगरी को आप इस तरह समझिए कि जो भी आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं, जो भी आप ब्लॉग पब्लिश करने जा रहे हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, तो आपके को ये करना जरूरी है कि हर पर्टिकुलर कॉन्टेंट को एक कैटेगरी असाइन होनी चाहिए, जिससे यूजर को पता चल सके कि वो कौन सी कैटेगरी को के पोस्ट को पढ़ना चाहता है, कॉन्टेंट को देखना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी न्यूज़ के बारे में वेबसाइट या ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं न्यूज़ की। अब उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे एंटरटेनमेंट एक कैटेगरी हो गई, मूवीज़ रिव्यू एक कैटेगरी हो गई, एक आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कैटेगरी बना सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, ये कैटेगरीज हैं। न्यूज़ वेबसाइट तो आपका एक कह सकते हैं कि नीश हो गया कि भाई मुझे न्यूज़ ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, बट उसके अंदर भी आपने जितना भी कॉन्टेंट आपने डाला है उसको डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में। तो देखते हैं कि इसको बनाते कैसे। तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, कैटेगरीज पे। कैटेगरीज पे क्लिक करने पर यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऐड न्यू कैटेगरी करनी होती है। वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी आती है जिसका नाम होता है अनकैटेगराइज्ड। अगर आप कोई भी कैटेगरी असाइन नहीं करते हैं ब्लॉग को, तो बाय डिफॉल्ट ये कैटेगरी असाइन हो जाती है, जैसा कि हमने पिछले जो ब्लॉग था उसमें भी देखा था कि देखिए यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी है वो अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब हम एक नई कैटेगरी बनाते हैं। जैसा कि हमने बात किया, हम न्यूज़ का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो हमने नाम दे दिया स्पोर्ट्स न्यूज़। स्लग का मतलब होता है यूआरएल। यूआरएल का मतलब कि दोस्तों जो क्लिक करते हैं, जिससे मान लीजिए इस पर क्लिक किया मैंने, तो देखिए ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं यूआरएल, इसको बोलते हैं स्लग। ठीक है, तो वो क्या बनेगा अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको छोड़ देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी नेम से ही उसको क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेरेंट कैटेगरी। तो क्या आप इसको एज अ पेरेंट कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, यानी स्पोर्ट्स न्यूज़। अब स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हो सकती हैं, क्रिकेट अलग हो सकता है, फुटबॉल अलग हो सकता है, वॉलीबॉल अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्पोर्ट्स को हम एज अ पेरेंट कैटेगरी बना के चलते हैं। और उसके अंदर देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, गेट ऑल स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ एट वन प्लेस। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको करने के बाद आप क्लिक कर दीजिए ऐड न्यू कैटेगरी पर। ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी बन चुकी है, कैटेगरी का नाम, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, ये स्लग उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। फर्क क्या था कि यहाँ पर एस और एन कैपिटल है, बट स्लग यानी यूआरएल बनते टाइम इसने सारी चीज़ों को स्मॉल में कर दिया। और यहाँ पर काउंट में आपको जीरो दिख रहा है, इसका मतलब अभी इस कैटेगरी के अंदर कोई भी ब्लॉग या कोई भी पोस्ट को हमने ऐड नहीं किया है, अभी जीरो ब्लॉग्स। इसी तरह एक दो कैटेगरीज और बना लेते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ के बात करते हैं पॉलिटिक्स न्यूज़। ठीक है दोस्तों, अगेन वही डिस्क्रिप्शन में हम सेम चीज़ लिख देते हैं, गेट ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ एट वन प्लेस। ठीक है दोस्तों, और ऐड न्यू कर देते हैं, ये दो हो गई। एक थर्ड कर देते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी कर दी, लग यहाँ छोड़ देते हैं, और गेट ऑल एंटरटेनमेंट न्यूज एट वन प्लेस। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक नई कैटेगरी ऐड कर दी। तो देखिए यहाँ पर तीन कैटेगरीज ऐड हो चुकी हैं। अब इन जब भी हम कोई नया ब्लॉग डालेंगे, हमें इनमें से किसी एक कैटेगरी को चूज करना है कि भाई वो जो ब्लॉग है या पोस्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर हमें डालना है। तो उसके लिए करते क्या है, हम आते हैं ऐड न्यू पर, एक नया पोस्ट ऐड करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कैसे पोस्ट को ऐड करते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर देख सकते हो। यहाँ हमें देना होता है नाम। तो जल्द मान लेते हैं कि हम पहला जो ब्लॉग डाल रहे हैं या पोस्ट डाल रहे हैं वो स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में डाल रहे हैं, तो हम डाल देते हैं इंडिया वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन डालिए, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी रैंडम टेक्स्ट कुछ डाल रहा हूँ, आपको रैंडम टेक्स्ट नहीं डालना है, आपको जो भी अपना कंटेंट है वो डालना है। उसके बाद आपको इमेज ऐड करनी है, तो मैंने बताया था इस प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए,
इमेजेस पर क्लिक कीजिए और अपनी मीडिया लाइब्रेरी से या फिर आप नई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इमेज यहाँ पर आ गई। कोई नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम दे दीजिए, हम दे देते हैं इमेज वन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए कि कैटेगरी का रोल कहाँ आता है। आप जाइए पोस्ट में, पोस्ट में देखिए इतने सारे ऑप्शन है, आपको दिखेगा कैटेगरीज। यहाँ देखिए अब जितनी कैटेगरीज आपने बनाई थी वो सारी दिख रही है, इंक्लूडिंग अनकैटेगराइज ऑल्सो। अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज नहीं करेंगे तो बाई डिफॉल्ट अनकैटेगराइज चूज हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको देते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ के अंडर। उसके बाद करते हैं फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज हमने सीखा था पिछली वीडियो में कैसे सेट करते हैं, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एक्सर्प्ट, इस पर भी आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, दिस इज अ स्मॉल। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी हमने चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं और लिखने के बाद अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश और पब्लिश। तो देखिए दोस्तों ये पोस्ट पब्लिश हो गया है। अब मैं वापस आता हूँ और इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब पहले जहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए पहले जहाँ पर कैटेगरीज में सिर्फ अनकैटेगराइज दिख रहा था, अब स्पोर्ट्स न्यूज़ भी दिख रहा है। ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ पर बाई डिफॉल्ट दो ब्लॉग हैं, दो पोस्ट हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ वाली कैटेगरी पर क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ अब जो स्पोर्ट्स न्यूज़ की कैटेगरी में पोस्ट डले हुए हैं सिर्फ वही दिखेंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैटेगरी बनाएं और हर कैटेगरी को अच्छे से डिफाइन करें सो दैट आपका जो यूज़र है, जो रीडर है, वो समझ सके कि उसको किस तरह का कॉन्टेंट पढ़ना है और उसको वो ईजिली फाइंड कर सके। तो दोस्तों आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं, खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं और अपना जो स्किल है उसको एनहांस करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।